गर्मी के मौसम में तरबूज और खरबूज हर घर में खूब खाया जाता है, लेकिन आज हम जिस खरबूज की बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे महंगा फल है। इस खरबूज को लोग जापानी खरबूज युबारी किंग के नाम से जानते हैं। यह होकाइडो द्वीप समूह में उगाया जाता है और इसकी कीमत कई हजार डॉलर में होती है। यह फल खास रूप से अपने मीठे स्वाद, कम बीज और फीकी सुगंध के लिए पहचाना जाता है। इस फल को महंगा बनाता है इसका कम मात्रा में उगना। युबारी किंग खरबूज की कीमत अलग अलग दुकानों पे अलग अलग होती है, लेकिन साल 2019 में टेस्ट एटलस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि दो जापानी खरबूज युबारी किंग 42,450 अमेरिकी डॉलर में बिके थे। अगर इसे आज के भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 34 लाख के पार पहुंच जाएगी। आपको बता दें, युबारी किंग खरबूजों का उत्पादन अक्टूबर से मार्च के बीच होता है और इसकी खेती के लिए खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादन के दौरान फलों के आकार और उसके रस मात्रा को नियंत्रित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा युबारी किंग खरबूजों के उत्पादन के लिए विशेष खाद का इस्तेमाल किया जाता है। युबारी किंग खरबूजों की विशेषताओं में यह है कि यह फल अत्यंत संक्रमण रोधी होता है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा इस फल में बहुत सारी खनिज और विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम इत्यादि। इस फल की कीमत की वजह से इसे आम इंसान नहीं खा पाते। पूरी दुनिया में इसे खरीदने वाले कुछ गिने चुने ही कस्टमर हैं। दुनिया का सबसे महंगा आम। आम का मौसम आ गया है और अब बाजार में कई तरह के आम दिखाई देने लगेंगे। हर स्टेट के हिसाब से आम की वैरायटी भी बदल जाएगी और दुनिया भर में देखे तो आम की कई वैरायटी है। अल्फाजो से लेकर दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कई तरह के आम बाजार में मिलते हैं। आप भी कई तरह के आमों का स्वाद चखा होगा। अगर सबसे महंगे आमों की बात करें तो दुनिया के सबसे महंगे आम को ताइयो नो तमागो कहा जाता है, जिसका जापानी में मतलब सूर्य का अंडा होता है। साल 2019 में ताइयो नो तमागो आम के दो आम जापान में नीलामी में 5 मिलियन येन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग की कीमत पर बेचे गए थे, जो करीब 36 लाख रुपए होते हैं। यह आम एक दुर्लभ किस्म के हैं, जो जापान में मियाजाकी प्रांत में उगाए जाते हैं। मियाजाकी जापान के दक्षिण भाग में स्थित है और अपनी गर्म और धूप वाली जलवायु के लिए जाना जाता है। ताइयो नो तमागो आम अपने मीठे स्वाद और नरम बनावट के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें जापान में एक लग्जरी फल माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये आम बहुत ही सीमित मात्रा में उगाए जाते हैं और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी से हाथ से उठाया और पैक किया जाता है। इसका ट्रांसपोर्ट भी खास पैकिंग के बाद ही किया जाता है। इसके बॉक्स में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र भी होता है कि फल असली है या नकली। ताइयो नो तमागो आम हर साल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, आमतौर पर मई से जून जुलाई तक। जापान में ताइयो नो तमागो आम को अक्सर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है और इसे लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है। वहीं फलों के शौकीन लोग इसे खाना और खरीदना पसंद करते हैं।